हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यार, आज के इस वीडियो में बात करने वाले अपकमिंग KTM ड्यूक 125 के बारे में। अब आपको पता है दोस्तों, इंडियन मार्केट में यार अपनी जो MT-15 है वो कितना ज़्यादा अपना क्रेज़ बना चुकी है। अब दोस्तों आपको पता है कि यार KTM वाले ध्यान नहीं देंगे तो भाई KTM का वैसे ही बुरा हाल हो रखा है, और अगर ध्यान नहीं दिए तो आगे चल के और ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है। अब KTM वालों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आपको पता है कि ड्यूक 125 एक बहुत बेहतरीन बाइक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अपडेट करेंगे तो ये बेहतरीन बाइक है, अगर अपडेट नहीं करेंगे तो ये बाइक को फ्लॉप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बाइक का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। और इतना ज़्यादा प्राइस होने के बाद भी अगर ये लोग इसमें कोई अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो भाई ऑब्वियस सी बात है, लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बात करने वाले नेक्स्ट जनरेशन KTM ड्यूक 125 के बारे में, कि बाइक में आपको क्या क्या नए अपडेट देखने को मिल सकते हैं, कंपनी इसमें क्या क्या नई चीज़ें ऐड करेगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन KTM ड्यूक 125 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ड्यूक 125 के चेंजेस के बारे में, कि क्या क्या चेंजेस कंपनी इसमें कर सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ध्यान रहता है, वो हमेशा रहता है ड्यूक 125 को लेकर, खासकर इंटरनेशनल मॉडल वेरिएंट। देखिए, आपको यहाँ पे सीधे सीधे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ड्यूक 125 जो इंटरनेशनल मॉडल है उसका इंडियन मार्केट में आने के जो चांसेस है वो जीरो है, शून्य बटे सन्नाटा कहते हैं जिसे हम मजाक से। देखिए, इसका रीज़न क्या है कि जो ड्यूक 125 है, अगर वो वाली इंडियन मार्केट में आती है तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि वो वाली ड्यूक 125 में भैया TFT डिस्प्ले मिलता है, LED लाइट मिलती है, डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई वो चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो चीज़ आती तो भैया ड्यूक 390 का क्या होगा, और अगर ये चीज़ आती तो उसका प्राइस क्या होगा, ये भी गेस करो ना, बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि उस प्राइस टैग को देखते हुए इंटरनेशनल मार्केट ड्यूक 125 के बारे में तो मत सोचिए, वो इंडियन मार्केट में नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ की ड्यूक 390 और हमारे यहाँ की 125 दोनों सेम है, सिर्फ पावर का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, तो वो तो आप छोड़ दीजिए। बात कर लेते हैं अब हमारे यहाँ की ड्यूक 125 के बारे में, कि इसमें कंपनी क्या क्या चेंजेस कर सकती है। उसमें ज़रूर चेंजेस होंगे, आपको इसमें हालांकि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहला चेंज मिलने वाला है इस बाइक के स्पीडोमीटर में। आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक बाइक में आपको फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलता है, और ऐसा नहीं है यहाँ पे KTM की तरफ से अपडेट नहीं किया गया है, भाई RC 125 को तो अपडेट किया गया ना, जिसमें आप लोगों को नया वाला स्पीडोमीटर देखने को मिला है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा जो नई वाली ड्यूक 125 रहेगी उसमें आपको LCD पैनल जो है वो देखने को मिलेगा, इस बाइक का पहला अपडेट रहेगा वो, और मेरे हिसाब से वो बहुत बेहतरीन अपडेट भी है और इस बाइक में नीड भी रखता है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक के ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन में। देखिए दोस्तों, ग्राफिक एंड कलर जो ऑप्शन है वो आपको बाइक में बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि KTM की जो ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी रहती है। अब दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, भाई KTM का ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन मैंने देखा है कि हमेशा ये लोग आपको बहुत अच्छा ग्राफिक देते हैं, और खासकर जो यंग जनरेशन बॉयज़ है वो अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश करते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, नई वाली जो ड्यूक 125 रहेगी उसमें आप लोगों को नया ग्राफिक एंड नया जो कलर ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों ब्रेकिंग प्लेट्स में। चलिए दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आप लोगों को नए वाले जो मतलब ब्रेकिंग प्लेट्स मिलेंगे उसके बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात तो ब्रेकिंग प्लेट जो है नई वाली जो RC में दिया गया है उससे बाइक का वेट कम हुआ है, तो बॉडी टू वेट रेशियो कम होने के बाद परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, ब्रेकिंग प्लेट का साइज बढ़ा है, पहले 300 mm आती थी बट अब 320 यानी कि 320 mm है, तो इससे ब्रेकिंग जो है परफॉर्मेंस है उसमें भी इंक्रीमेंट आएगा। तो ये मेजर अपडेट आपको एडवांटेज मिलेगा। बात कर ले नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों LED लाइट। अब देखिए, ड्यूक 125 200 में ना हेलोजन लाइट तक KTM चलता रहेगा तो फिर ये भाई फ्लॉप होने में ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले। यार आप समझिए कि 2 लाख से ज़्यादा बाइक का पैसे दे रहे हो और आपको एक सिंपल सी हेलोजन लाइट दी गई, जैसे कि एडवेंचर 250 में दी गई थी और सुपर डुपर फ्लॉप हो गई वो, तो वही हाला भी ड्यूक 125 का हो जाएगा। और कंपनी 99% चांसेस है कि अब आपको उसमें LED जो लाइट है वो देखने को मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि LED लाइट कैसी होने वाली है, क्या होने वाली है, दिखने में कैसी रहेगी, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, बट ये है कि नई वाली LED लाइट आपको ड्यूक 125 में मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट जो होने वाला है दोस्तों ड्यूक 125 में, वो होने वाला है दोस्तों इस बाइक की टेल लाइट में। टेल लाइट को लेकर मैं पूरा श्योर हूँ, हालांकि मैं तो ये भी श्योर हूँ कि कंपनी इसका पूरा डिज़ाइन भी छेड़छाड़ कर सकती है, लेकिन जब से ये लोगों की RC फ्लॉप हुई है ना, तब से ये लोग थोड़ा भी सोचने में लगे हैं कि भाई क्या नया अपडेट लाना चाहिए या नहीं।
जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों आरसी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। उतना ज़्यादा सेल नहीं है जितनी पुरानी वाली आरसी की हुआ करती थी। अभी लोग सिर्फ और सिर्फ ड्यूक पे ध्यान दे रहे हैं, आरसी नहीं खरीद रहे हैं, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। बाकी बाइक चलाने में बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक भी है, बट पसंद नहीं आ रही लोगों को। तो नई वाली ड्यूक 125 की पूरी डिज़ाइन चेंज तो नहीं मिलेगी, बट एलईडी लाइट की वजह से डिज़ाइन सामने का चेंज होगा, टेल लाइट थोड़ी सी कंपनी चेंज कर सकती है। बात कर ली दोस्तों ड्यूक 125 के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो वह दोस्तों इस बाइक के सस्पेंशन। अभी आप लोगों को इसमें जो सस्पेंशन मिलता है वो डब्ल्यूपी के नॉर्मल वाले सस्पेंशन मिलता है, बट जो डब्ल्यूपी के एपेक्स वाले सस्पेंशन आया नई वाली आरसी में वो थोड़े ज़्यादा बेहतर है, थोड़े ज़्यादा बेटर परफॉर्म भी करते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें आप लोगों को नए वाले जो सस्पेंशन है वो भी देखने को मिलेंगे। बात करें दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में इस बाइक का जो लॉन्च डेट होने वाला है वो मेरे आई थिंक इस साल के एंड तक हो सकती है। और अगर बात कर ले दोस्तों इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो प्राइस तो बढ़ेगा 170,000, अभी एक शोरूम प्राइस आती है 180 के आसपास की एक शोरूम प्राइस जा सकती है। बाकी दोस्तों आप लोग बताना कि आप लोगों को आरसी का वेट है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।